आप देख रहे हैं एलएन न्यूज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरंगाबाद का नाम जो है तो इससे पहले की गवर्नमेंट थी शिवसेना की और कांग्रेस एनसीपी की, उन्होंने जब से शहर का नाम बदला तो मैं समझता हूँ कि पूरे शहरवासी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान और खासतौर पे वो सेक्युलर जहन रखने वाले हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी जो 400 साल की तारीख वाले शहर को नाम बदलने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये जो ऑर्डर पास किया गया है तो मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ में औरंगाबाद नामांतर विरोधी कृति समिति ने, जिसके अंदर सारे पॉलिटिकल पार्टीज और सारे संगठनाओं के लोग, सारे समाज के लोग जो इसके अंदर शामिल है, और उस कृति समिति के लोगों ने कल दोपहर में भड़कल गेट से लेकर तो बुड्डीलैन आमखास तक एक रैली का आयोजन किया है। तो मैं चाहता हूं कि औरंगाबाद के तमाम ही लोग, औरंगाबाद जिले के तमाम लोग जो रोडों पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि औरंगाबाद का जो नाम संभाजी नगर करने का प्रस्ताव रखा गया है, हम इसका खुला विरोध करते हैं, ताकि ये बात जब ये लोग लेकर कोर्ट में भी जाए तो कोर्ट को भी ये समझ में आना चाहिए कि 4-5 लोग 10 लोग बैठकर पूरे शहरों के फैसले नहीं कर सकते हैं, और ये शहर के फैसले शहर के लोगों ने करना चाहिए। तो हो सकता है कि कल अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में सड़कों पर उतरेंगे तो इसका असर यकीनन गवर्नमेंट पर भी होगा, और कोर्ट भी इसको मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह औरंगाबाद के हक में फैसला करेगी, जैसा औरंगाबाद पहले था आज है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। तो आप लोगों से यही अपील है कि कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने कारोबार बंद रखते हुए रोडों के ऊपर उतरे। कल दोपहर 2 बजे भड़कल गेट से लेकर आमखास मैदान तक एक रैली के अंदर आप लोग शिरकत करें। शुक्रिया।